लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। विधायक गणेश नाइक ने आज ऐरोली प्रभाग 10, 11 और 12 के लिए 30 लाख लीटर क्षमता वाले जलकुंभ और रो हाउस इलाकों के लिए गैस पाइपलाइन एवं सेवा नियामक बॉक्स का शिलान्यास किया। स्थानीय बीजेपी नेता अनंत सुतार और नगर सेविका शशिकला सुतार की मांग और प्रयत्नों से इन विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी नागरिकों की सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। ओम गणेश देवताय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। ओम सिद्धि विनायक देवताय नमो नमः। हरिद्रम समर्पयामि, कुंकुमं समर्पयामि, सिंदूरं समर्पयामि, महागणपति देवताय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पवित्रम पवित्रम सर्वसंगतो पियाया स्मरे पुंडलिकाक्षम बाह्या पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपुष्य शिकुर्म देवतम शीतलं छंद भूमि प्रार्थना विनियोगा ओम आसने विनियोगा या स्मरे पुंडलिकाक्षम बाह्या पृथ्वीति मंत्रस्य जलकुंभ उबर्णच या मंगल प्रसंगी भूमि प्रार्थना विनियोगा शुभस्ते गणपती बाप्पा कुदळ मारून या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने परत वाजवा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से ऐरोली प्रभाग 10, 11 और 12 का इलाका पानी की किल्लत से मुक्त हो जाएगा। स्थानीय नेता अनंत सुतार और नगर सेविका शशिकला सुतार के सतत प्रयासों के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका यहाँ 30 लाख लीटर क्षमता वाला जलकुंभ तैयार कर रही है। आज लोक नेता गणेश नाइक ने पूर्व सांसद संजीव नाइक एवं तमाम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस जलकुंभ निर्माण का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने सेक्टर 2 के रोहाउस इलाके में गैस पाइपलाइन और सेवा नियामक बॉक्स की स्थापना का भी शुभारंभ किया। यहां अनंत सुतार ने चालों के रीडेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि वे यहां बहुमंजिली इमारतें देखना चाहते हैं। इस मांग को बल देते हुए विधायक गणेश नाइक ने प्रभाग 10 और सेक्टर 1 के इलाके में रीडेवलपमेंट का सपना पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने स्थानीय नेता अनंत सुतार और नगर सेविका शशिकला सुतार के प्रयासों की भी सराहना की। अनंत सुतार जी के मन में जो इच्छा है वो पूरी करने में मैं उनके साथ चट्टान जैसा खड़ा रहूँगा। वो तो जो जलकुंभ तो बनी गए शुरू ही हो गया, लेकिन आगे चल के इस शहर में चिटर लुटर लोग घूम रहे हैं, लोगों को गलत सलत वादे कर रहे हैं, ऐसे लोगों से लोगों ने बच के रहना चाहिए। जो कुछ प्रस्ताव लेके आते हैं उनकी कैरेक्टर को भी समझना चाहिए और आगे चल के लोगों के माध्यम से ही उनके नए मकान बनेंगे। कोई यहाँ पे बिल्डर के तौर पे कोई नहीं आएगा। आनंद सुतार बिल्डर नहीं बनेगा, आनंद सुतार उनका एडवाइज़र बनेगा, हितचिंतक बनेगा। लोगों की ज़रूरत पड़ी तो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने खुद बिल्डर बने, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से या और जो कोऑपरेटिव बैंक या नेशनल बैंक है उनके माध्यम से उनको फाइनेंस करा के
वो लोग उनका अपना खुद का मकान बनाए, हम उनको साथ देते हैं। इस अवसर पर स्थानीय नेता आनंद सुतार और नगर सेविका शशिकला सुतार ने कहा कि प्रभाग 10, 11, 12 में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पानी की भारी किल्लत थी, जिसके मद्देनजर जलकुंभ बनाने की जरूरत थी। इसके साथ ही प्रभाग 12 में 200 से अधिक रो हाउस इलाके में 12 वर्षों से गैस पाइपलाइन जोड़ने का काम अधूरा पड़ा था। सानी नेता अनंत सुतार ने कहा कि इन दोनों विकास कार्यों के पूरा होने से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रभाग के सभी मकान इमारत बन जाएं, ऐसा सपना है। उन्होंने विश्वास भी जताया कि लोक नेता गणेश नाइक के नेतृत्व में यह सपना पूरा होकर रहेगा। 2 साल में नाइक साहब और मैं कोरोना कालावधि में कमिश्नर से बातचीत कर रहे थे, हर समस्या के बारे में हल निकाल रहे थे। पानी के बारे में मैंने एक बार आवाज़ उठाई और कमिश्नर साहब को जवाब सवाल से पूछा कि अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। कमिश्नर साहब ने मुझे आंदोलन करने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन पानी की समस्या हमारी छोड़ी थी। लेकिन एमआरडीसी के पानी पाइपलाइन की वजह से वो समस्या हर दिन नहीं रह सकती, इसलिए मुझे महापालिका में जलकुंभ के बारे में सोचना पड़ा और जलकुंभ का प्रस्ताव हमने रखा। कमिश्नर साहब ने उसको मंजूरी दी। जलकुंभ जब भरेगा, पानी जब भरेगा, तो यहाँ की सबकी पानी की समस्या छूटेगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख और आनंद का समय होगा। यहाँ जो रो हाउस के लोग रहते हैं, वहाँ लोगों के घर में महानगर की डायरेक्ट गैस लाइन नहीं थी, और जब उन्होंने मुझे मिलकर कहा कि हमारी महानगर की गैस की समस्या है, तो मैंने उनकी पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा, मैं 12 सालों से हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये सवाल हल नहीं हो रहा है। तो हमने महानगर की गैस छोड़ने के लिए महानगर पालिका के अधिकारी से बात की और मेरा जो प्रयत्न था वो सफल हुआ। अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट किया और जो 12 साल में नहीं हो रहा था वो मैं 12 दिन में कर सका। प्रभागातील जनतेला मी एक आश्वासन दिलेले, त्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून हा जलकुंभाची उभारणी आहे। महिलांच्या समस्या आहेत, कित्येक वर्ष महिला मला भेटायला येतात, मॅडम आम्हाला पाणी नाही, त्यांची 10 बायची 10 घरं आहेत, त्यांना पाणी ठेवायला जागा नाही, ते गटारावर ड्रम भरून ठेवत असतात, ते मला आम्ही फिरत असतो तेव्हा मला पण मनाला चांगलं नाही वाटत। मी महापालिकेमध्ये बऱ्याच वेळेला पाणीपुरवठ्याचे सभापती होता, तेव्हा मी प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा एक टाईम पाणी चालू करायची, तेव्हा मी 2 टाईम चालू करून दिलं त्यांच्यासाठी। आज प्रभाग क्रमांक 12 गॅस पाईपलाईनची सुविधा नव्हती, तिथील रो हाऊसमधील लोक जनता आमच्याकडे भेटायला आली साहेबांना, का आम्हाला एवढी वर्ष झाली ते का गॅस लाईनची पाईपलाईन आमच्या उरतार, काही ज्या सिटी इंजिनियर असतात त्यांना गॅस उचलता येत नाही, काही महिलांना ते गॅसचं रेग्युलेटर लावता येत नाही, अशा अनेक समस्या होत्या। त्या सोडवण्यासाठी सर्वे केला येऊन 2-3 वेळा आणि त्यांना गॅस लाईन दिली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।